बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारेपुर टीकाकरण शस्त्र स्थल पर गुरुवार को संक्रमण महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हो रहे बारिश में भीगते हुए युवाओं ने टीकाकरण शस्त्र स्थल पहुंचकर लिया टीका। टीका को लेकर युवाओं में उत्साह दिखा। गुरुवार को हो रहे मूसलाधार बारिश के बीच वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीकाकरण स्थल पहुंचकर टीका को लेकर युवा उत्सुक दिखे। इस संबंध में टीका लेने आए चमथा दियारा शाहजहांपुर निवासी दयानिधि सिंह, फतेहा निवासी नेहा कुमारी, नारेपुर धर्मपुर निवासी सचिन कुमार, शुभम कुमार, भरोल निवासी सचिन शर्मा व अन्य लोगों ने बताया कि संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए हमने आज प्रथम वैक्सीन का डोज लिया, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। वहीं युवाओं ने बताया कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन स्लॉट बुक होने में समस्याएँ उत्पन्न होती है। टीकाकरण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिए था। हम लोगों को काफ़ी दूरी तय करके यहाँ पर आना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बारिश में भीगते हुए भी टीका लेने के लिए हम लोग टीकाकरण सत्र स्थल पहुँचे हैं। यदि आज टीका नहीं लेते तो फिर हमें दोबारा नहीं मिल पाता, इसलिए हमें बारिश में भीगकर भी टीका लेने के लिए आना पड़ा। टीकाकरण स्थल पर मौजूद युवाओं ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए टीका प्रमुख अस्त्र के रूप में साबित हो रहा है। युवाओं ने बताया कि वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों को चट बढ़कर टीका लेना चाहिए। वहीं सरकारी विधि व्यवस्था के अनुकूल हर एक गाँव में टीकाकरण स्थल खोलना चाहिए, जिससे लोगों को टीका लेने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रामकृष्ण ने बताया कि वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए टीका प्रमुख अस्त्र है और इसे लोगों को चटबढ़ कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज कुल 300 लोगों को टीका लेना है, लेकिन बारिश होने के कारण अभी तक कुल 170 लोगों को टीका लग पाया है और टीका लेने को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी है। पीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। संक्रमण महामारी कोरोना वायरस का आपने प्रथम वैक्सीन लिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूं। सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। रजिस्ट्रेशन में कोई समस्याएं भी उत्पन्न हुई? नहीं। बारिश हो रही है और बारिश के बीच आप आए हैं मध्य विद्यालय नारेपुर, इस पर आपका क्या कहना है? विलेज एरिया में अगर हमारे बेगमसराय में होता तो ज़्यादा बेटर था। आपका परिचय? रणित कुमार। संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए आपने प्रथम टीका लिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा? टीकाकरण को लेकर आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका परिचय? घर। आप इस बारिश में भी टीका लेने के लिए आए, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने सरकार के पक्ष में चर्चा किया। इस बारिश के मौसम में भी आपने आप टीका लेने के लिए आए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बारिश तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि महामारी पूरा फैला हुआ है उसके सामने ये बारिश कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये बारिश को देखते हुए इसके लिए मैं टीका लेने आई हूँ। टीका को लेकर आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा? फिलहाल तो अभी टीका पता नहीं। रजिस्ट्रेशन को लेकर? रजिस्ट्रेशन या बुक, मैं बहुत दिनों से मतलब कोशिश कर रही थी बस बुकिंग के लिए, बस बुक नहीं हुआ था। कैसे कैसे सीट खाली हुआ तो फिर बुकिंग हुआ तो फिर मैं लेने आई, कैसे नहीं आ सकती थी। लेना बहुत ही जरूरी था तो लेना ही था। आपका परिचय? नीना कुमारी, ग्राम पोस्ट फटिया, जिला बेगूसराय, थाना बछवाड़ा। संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए आपने प्रथम टीका लिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इस के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा? पहले तो बारिश में आके पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, स्लॉट नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम के बाद स्लॉट मिला है। फिर बारिश हो रही थी तो बारिश में दौड़ के आना पड़ा, इतना मुश्किल हुआ है बहुत। इस बारिश के मौसम में भी आप टीका लेने के लिए आए, इस पर आपका क्या कहना है? टीका सभी को लेना चाहिए। लोगों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना बहुत एक तो बहुत बड़ी महामारी है, तो इसका जो वैक्सीन है ये फ्री मिल रहा है तो फ्री में आपको लेना चाहिए जाके। आपका परिचय? मेरा नाम सचिन कुमार। संक्रमण महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपने प्रथम वैक्सीन लिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है।
इसके लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ी? इसके लिए सबसे पहले मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, उसमें आधार कार्ड से या कोई सी आईडी, 3-4 आईडी लगता है, उस आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैक्सीन सेंटर पे आना पड़ेगा, फिर आपको वैक्सीन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई समस्याएं भी उत्पन्न हुई आपको? वेटिंग लिस्ट चल रहा है, हमेशा बुकिंग दिखा रहा है। इससे इसको लेकर आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी जल्दी सबको मिले वैक्सीन। और सरकार के बीच अच्छा लग रहा है, सरकार जो सुविधा दी है। आपका परिचय? दयानिधि सिंह। साकिम घर चमथा संजापुर। इस बारिश के मौसम में आप चमथा दियारा क्षेत्र से आए हैं, आपको आने में कोई समस्याएं भी उत्पन्न हुई? समस्या बहुत उत्पन्न हुआ, 4-5 गाड़ी चेंज करना पड़े तो तब आ पाया मैं। नहीं हुआ सुई जैसा भी, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल सा था तो ठीक है एकदम। अभी तो लगाई हुए किए हैं, बाकी देखते हैं आगे। टीकाकरण को लेकर आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा? रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, उसके बाद आकर के बाकी यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई किया गया बस हो गया। रजिस्ट्रेशन में क्या आपको समस्याएं भी उत्पन्न हुई? ज़रा कुछ नहीं, स्टार्टिंग में स्लॉट बुकिंग में टाइम लग रहा था, उसमें स्लॉट नहीं आ रहा था, तो बाकी वो भी एक दिन के बाद सेकंड ट्राई में हमको मिलेगी अगले दिन स्लॉट, तो ज़्यादा कोई परेशानी हुआ नहीं मतलब। टीकाकरण को लेकर आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन लगवाए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस बारिश के मौसम में भी आप उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारेपुर में टीका लेने के लिए आए, इस पर आपका क्या कहना है? जरूरी था ये, अब स्लॉट बुक हुआ है तो करवाना चाहिए, फिर कल स्लॉट बुक होगा या नहीं होगा क्या नहीं सकते। आपका परिचय? सुभाष कुमार। संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए आपने टीका लिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर एकदम बेटर फील कर रहे हैं। इस वैक्सीन को लेने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा? सर इसका रजिस्ट्रेशन करे थे, 3 तारीख को स्लॉट मिल नहीं रहा था, स्लॉट कल खाली मिला है, तो उसके बाद आए हाँ, बारिश में 3 बार घूमते हुए। रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको कोई समस्याएं भी उत्पन्न हुई? सर हुई है थोड़ा, स्लॉट मिल नहीं रहा था और टाइम नहीं पता लगता है किस समय बुक होता है, कभी सुबह 7 बजे खोलते हैं तो लगता है कि खाली नहीं मिलता, तो कभी शाम में बुक होता है, कल शाम में पता चला तो शाम को बुक। टीकाकरण को लेकर आप सर लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? तो दूंगा कि आदमी सही समय से खाली समय मिले तो जाके लगवा लेना चाहिए। और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये अभियान उनके ग्रामीण स्कूल पे होना चाहिए और वहाँ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 1-2 दिन में वहाँ वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आपका परिचय? मैं सचिन शर्मा, भरोल से। आप कहाँ से हैं? भरोल से हैं। इस बारिश के मौसम में आप टीकाकरण लेने के लिए आए हैं, इस पर क्या करना है आपको? इस पर क्या करना है सर, टाइम था, टाइम के हिसाब से आए हैं, सबके साथ मतलब समय के साथ, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा।